बड़े पापा क्या सुबह सुबह कान खाए हो, थोड़ा ढंग का गाना लगाओ। हाँ? अरे ये गाना लगाओ, लुंगी डांस। नो 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 नो, बच्चे भगवान का भजन भी नहीं करने देते। नमः शिवाय, नमः शिवाय, देखता हूँ आज कितना बड़ा पुजारी है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। नामन बेकल अधर्मी, पूजा भ्रष्ट कर दिया, चल निकल यहाँ से। अरे पुजारी जी, मैं भी तो पूजा कर रहा हूँ। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अरे पापी, ऐसे नहीं मानने चाहिए। फिर अभी बताता हूँ, राम नाम सत्य। अधर्मी, अभी तेरी बताता हूँ। बहुत दुष्ट लड़का है, मेरा धर्म भ्रष्ट करके भागा है। क्यों, क्या हो गया पंडित जी? अरे धर्मी है ये, मेरी पूजा का सत्यानाश कर दिया। पूजक सत्यानाश कर दिया, वो कैसे? अरे जनमान ऊट पटांग बातें करता है। अरे पंडित जी क्यों झूठ बोलते हो? कितनी भ्रष्ट बातें करता है नालायक कहीं का। अरे पंडित जी, ऐसी क्या भ्रष्ट बात कर दिया? अरे पूछो ना इस नालायक से। अरे मैं क्या, आप ही बता दो पंडित जी। अरे हाँ बताओ। अरे जजमान, मैं बताऊंगा तो मेरी जबान काली हो जाएगी, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे पंडित जी, राम का नाम लेने से डरते हैं। चल बेटा तू ही बता दे क्या बोला था। अरे अंकल जी, मैंने तो यही बोला था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसमें क्या गलत बोला अंकल जी? नालायक अधर्मी, धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। तू बच्चा है इसलिए तुझे आज छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसी हरकत की तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, 5-6 साल हो गए हमको पूजा करते हुए, अभी तक तो कोई माल मुद्रा मिला नहीं। भगवान ऐसे ही पूजा करता रहूंगा कि कुछ वरदान वरदान भी दोगे? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। फिर आ गया तू? अरे पुजारी जी, आपकी तरह मैं भी पूजा कर रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा नालायक, ठहर अभी तेरी खबर लेता हूँ। हाँ तेरी शिकायत तेरे बड़े पापा से करूँगा। राम 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 भाई। अरे पुजारी जी क्या हो गया? अरे जजमान, ये बड़ा नालायक लड़का है, इसको संभाल के रखो। अरे पुजारी जी क्या कर दिया इसने? अरे जजमान, मैं पूजा कर रहा था, मेरी पूजा भ्रष्ट कर दिया ये। पूजा भ्रष्ट कर दिया? अरे यजमान, इतना गंदा संस्कार दिया इसको, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अरे पुजारी जी, हमारे संस्कार में क्या कमी रह गई? क्या ऐसा गड़बड़ कर दिया आपके साथ? पूछो इसे क्या क्या गड़बड़ किया है, कैसी अपशब्द वाली गड़बड़ बातें करता है। बेटा पुजारी जी के साथ क्या गड़बड़ बातें करता है? अरे बड़े पापा, मैं कहाँ गड़बड़ बातें करता हूँ। पुजारी जी को गड़बड़ बातें लगती हैं तो मैं क्या करूँ? लेकिन बेटा तुमने ऐसा क्या बोला कि पुजारी जी को गड़बड़ लग रहा है, बोल तो क्या बोला? अरे बड़े पापा, पुजारी जी से आप ही पूछ लीजिए। अरे पुजारी जी आप ही बता दीजिए, बच्चे ने क्या बोला? अरे जजमान, वो बोलूंगा तो मेरी जबान काली हो जाएगी। काली जबान हो जाएगी? हाँ। बेटा एक काम कर, तू ही बता देना क्या बोला था। अरे बड़े पापा, आप भजन करते हैं ना, मैं भी पुजारी जी के साथ भजन करने लगा। वाह बेटा, बहुत सुंदर लड़का, मैं तो समझा तू कलयुगी लड़का है, लेकिन तू कितना अच्छा है, भजन करने लगा। एक बात बता बेटा,
कौन सा भजन कर रहा था? भजन बताओ बड़े पापा। हाँ बेटा बता बता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे पागल हो गया, राम नाम सत्य बोला जाता है, ये भजन है। देखा यजमान कितना नालायक है, कितना अधर्मी है ये लड़का। ओह नो। अरे पुजारी जी क्षमा करिए लड़के को, अभी नादान है, बच्चा है, गलती हो जाती है। अरे यजमान नादान है बच्चा है, इसी वजह से आज इसको छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा मेरे पूजा में विघ्न डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बड़े पापा आप भी गुफा हो गए, राम नाम सत कहने में क्या बुराई है? अरे बेटा कुछ बुराई नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जब कोई मर जाता है तभी ये बोलते हैं। तभी क्यों बोलते हैं बड़े पापा, इसका तो भजन गाना चाहिए। कितना प्यारा नाम है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बेटा बात तो सही कह रहा है, कितना प्यारा नाम है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बेटा बात बिल्कुल सही कह रहा है, आज के बाद मैं भी ना रोज यही भजन गाऊंगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कौन मर गया? अरे बाप रे मर गए, घर को शमशान बना दिए आप। नो 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 नो।